गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मी फालू। सो यस आज है तुलसी विवाह यानी कि एकादशी, देव उठनी एकादशी। आज के दिन सब देव उठ जाते हैं और आज से ही शादी ब्याह सब स्टार्ट हो जाएगा। मेरी दादी भी अंदर से बोल रही है और अभी हम कर रहे हैं प्रेपरेशन रंगोली। इसमें है मैं, अंजलि और विशाल, हम तीनों लोग बैठे हैं। अभी हम लोग नहाए नहीं है तो हमारा फेस नहीं दिखा पाएंगे। तो आज हम तुलसी विवाह करने वाले हैं, तो देखिए हम लोग कैसे तुलसी विवाह करते हैं और हम फुल डे कितना इन्जॉय करते हैं, कैसे उसकी प्रेपरेशन करते हैं और कैसी हमारी रंगोली हम बनाते हैं, इसमें पूरे ब्लॉग में शो करूँगी। सो स्टे ट्यून और ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। सो फाइनली ये रही हमारी रंगोली जो हमने कड़ी मेहनत से इतनी बिगाड़ बिगाड़ के बनाई है। देखो क्या करें, बट फिर भी शुभ विवाह आज है, विवाह। सो स्टे ट्यून, देखते हैं हम लोग कैसे क्या करते हैं। अभी तो हम लोग जा रहे हैं नहाने और खाने। बाय, तब तक के लिए मिलते हैं आगे। गाइस आज बन रहा है हमारे घर पे मघारेला भात यानी कि फ्राइड। तो आज अंजलि बना रही है, उसने इंग्रेडिएंट्स में लिया है कुछ चिली, अनियन, टोमेटो, पोटैटो और ये सब मसाले और चने की दाल उसने सुबह से पलाड़ के रखी थी, थोड़ा धनिया है। और अभी इसमें इसने क्या क्या डाल दिया है, जीरा और तेल, तेल डाला। उसके बाद तेल गर्म होने पे उसने जीरा डाला है और अभी ये दो प्रकार के कुछ गर्म मसाले वो अपने खुद बनवाती है। और ये पानी डोल रही है, हमारा रसोड़ा गंदा कर रही है ये छोकरी। और हाँ चावल तो मैं भूल ही गई, और उसने चावल भी थोड़े भिगोए हैं, बहुत प्यारे वाले चावल है। मुझे ये चावल बहुत पसंद है, अदरवाइज मैं कोई और चावल नहीं खाती हूँ। सो यस, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे जीजी, थोड़ी हींग डालेंगे आप? नहीं, हींग नहीं डालती है ये, थोड़ा ये काला हो जाए, थोड़ा काला नहीं उसे जलना कहते हैं, फिर जल जाए। जल चुका है जीजी, चलो हट जाओ जीजी। तो इसमें इसने डाल दिया है वो क्या डाला है, प्याज और वो मिर्चा, मिर्ची वो भी धो के डालते हैं, हम ऐसे गंदाते नहीं है, सूखले नहीं है हम। समझ में आया क्या? नहीं नहीं नहीं, मगज में आया क्या? यस, तो उसके बाद हमने डाल दिया है, कर दो इसको पूरा ऊंधा कर दो, पानी भर दो, सब डाल दे। आज हम काम कर रहे हैं यानी कि रसोड़ा पूरा गंदा मैसी मैसी। सो यस, इसने पटाखे के मतलब आलू के छिलके भी नहीं उतारे, उसके आलू के छिलके नहीं उतरते दीदी, हम तो उतारते हैं, उधर ही रखो वापस दीदी, धोना नहीं है, धोना है तो फिर वो 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 वो। तो इसमें हमने पानी क्या होने देंगे, रेड, यस, थोड़ा उसमें पर्पल्स कलर हम लेकर आएंगे। सो स्टे ट्यून पर्पल कलर आने तक। तो उसके बाद ये डाल रही है पाउच वाला अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, ये हम डेली वे में यूज भी करते हैं। और आप देख सकते हो इसका कलर कितना टेम्पटिंग लग रहा है। यस, तो अभी ये बन रहा है, तब तक के लिए स्टे ट्यून। अभी इसको मिक्स करेगी, पता नहीं फिर क्या डालेगी, तब तक के लिए रुको, मेरा फिर स्टोरेज फुल हो जाएगा। आज इसने डाली है हल्दी, हल्दी को ये मिक्स कर रही है और इसको हम पकने देंगे जिससे इसकी खुशबू आएगी। पतला बलन नहीं चाहिए, क्यों चोट रहा है, धीमा करना तो बंद हो जाएगा और फिर हमारा गैस खराब है। अभी हल्दी पकेगी दीदी, हल्दी को पकने देना, स्मेल नहीं आने की हल्दी की। चलो अभी तो कुछ नहीं डाल रहा है, नमक। उसके बाद इसने डाला है नमक और थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा अभी हम लोग तीखा तीखा कम खा रहे बिकॉज ऑफ ये है गरम मसाला। तो यार अभी से डाल देगी गरम मसाला, ऊपर से नहीं डाल देगी, इसमें पके यार, देख क्या है कि नहीं है, है। इसने डाल दिया गरम मसाला, पता नहीं आलू कब डालेगी ये, इसकी खुशबू लो सब, इसने गरम मसाला की खुशबू, गरम मसाला डाला है, उसकी खुशबू लो आप सभी, प्लीज एंजॉय। अब ये क्या डाल रही है, मम्मी ने बोला पाव भाजी मसाला भी डाल दो, तो इसमें बघारेले भात में हम पाव भाजी मसाला भी डालते हैं, वाओ, मतलब सब टेस्ट लेते हैं हम अमीर, ऐसा लगे जैसे अपने बिरयानी खा रहे हैं, हाँ, अमीर है। और इधर मसाला जल चुका है, कोई जला नहीं है, पक्का है, चकली बेइज्जती ना करे हमारी, ओके चलो बाय। चने की दाल धोने के बाद उसमें चावल और वो डाल दिए, उसके बाद हम पोटैटो एंड टोमेटो इसमें ऐड कर देंगे बिना छीले हुए, क्योंकि ये बोलती है इसमें बिना छीले ही डालते हैं, अदरवाइज इट्स ओके, छोकरी को
नया नया सीखती है छोकरी। पानी चाहिए दीदी आपको? रुको, इसको पानी देती हूँ। चावल वो भी भाती है से? नहीं, मैं हाथ से नहीं डाली, मुझे हाथ पे छींटे लग जाते हैं। उनके हाथ पे छींटे लगते तो दीदी हाथ से नहीं डालती हुई, चावल भाती है से ही डालती है। हम सारा काम है ना ऐसे हाथ तो यूज करते ही नहीं। हाँ, कोमल हाथ है इनके नाजुक से ही, तो इसमें डाल दिया चावल। उसमें पानी डाल थोड़ा, रुको ना दीदी। अरे जंगू पानी ना, ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। उसके माथा फूल गया हमारे कुलकुल का, और हो रही है। अब हम हाथ यूज कर, अभी हाथ यूज कर ही लेते हैं जबकि भारतीय से कुछ काम नहीं। और मैंने लाइट किस खुशी में कर रखी, दीवाली है क्या? लाइट बंद करो, लाइट भी लाता है। ओ दीदी मुझे दिखता नहीं। ओ माय गॉड, तो फिर से ऑन कर दिया। छोटा हिंग की जगह हल्दी, हल्दी की जगह नमक, पानी दे। अब इनको तो पानी भी दो, तो फिर राइस बनाएंगे। टेम्पटिंग रसोई बन जाना चाहिए हमें। ये तो ऐसा बना दू, ऐसा बना दू। हम सोच रहे रसोड़ा, रसोड़े का काम खोल ही लेते हैं। देखोगे पानी अब बस फिर बाहर आएगा पानी। थोड़ा पानी डाल दो तो ये आलू वालू गल नहीं, वो तो गल जाएंगे। सिटी लेंगे हम तो गलेंगे ना। मैं तो जा रही हूँ। इट्स पूजा टाइम, फाइनली विवाह का शुभ मुहूर्त आ चुका है। मतलब 6:30 बजे तक का ही मुहूर्त था, तो अभी 5:30 बज रहा है, हम लोग ऊपर आ चुके हैं। और ये मेरे पीछे पीछे ही रहता है, देखो ये भी ऊपर आके बैठ गया है। तो अभी मैं पूर रही हूँ चौक, ये रहा आटा और ये है हल्दी। तो अभी मैं चौक पूर रही हूँ, उसके बाद हमारा ये सब सामग्री आ चुकी है। अभी थोड़ी बहुत और बताऊँ उनका श्रृंगार तुलसी मैया का, बाकी अभी तुलसी मैया स्थापित भी नहीं करे हमें यहाँ पर। तो स्टे ट्यून, देखिए क्या क्या होता है। हमारे चाची ने भी यहाँ पे तुलसी विवाह की सब तैयारी कर ली है, बांध दिया है मंडप, ये चौक पूरा पूर के रखा है, और शालिग्राम भगवान जी के लिए मतलब बैठाने के लिए यहाँ पे पटला वगैरह भी रख दिया है। अभी चाची कर रही है फुल तैयारी, मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं। देखिए आप सब तुलसी माता जी को, और अभी हम लोग भी जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून, देखते हैं हम लोग कैसे आज करते हैं तुलसी विवाह। यहाँ पर सबसे पहले इनको पिठी लग रही है, आप देख सकते हो हमारे सब आए हुए हैं, चाची भी आए हैं हमारे विवाह में। बहुत सारा क्राउड हो चुका है, और यहाँ पर हल्दी लग रही है, ये लोग भी छोटे छोटे लोग आए, पर गाना बजाना कोई नहीं बजा रहा है, देख सकते हो। फिर मेहंदी भी है, मेहंदी है, लगाओ लगाओ, सब लगाते रहो आंधा ने। हाँ, तो अब लग रही है उनको मेहंदी, आप देख सकते हो। हल्दी मेहंदी इज इम्पोर्टेंट, एक एक पत्ते पे भी हल्दी लगाई जा रही है, आप देख सकते हो। हाँ, 5 पत्ते पे कर, और एक तुलसी माता जी को कर। हल्दी तो लगाई नहीं, तेरे नाम लगा। और यहाँ पर ढोली भी आ चुके है, देखिए ढोल बजा रहे हैं ढोली। यहाँ पर सब पूजा हो रही है, आप देखो। और प्रीति ने भी गाना बजा दिया है यहाँ पर, दीदी तेरा देवर दीवाना। कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा तो मैं बंद करती हूँ। फाइनली यहाँ पर गठबंधन होता हुआ दोनों का, देखिए आप। फूल नहीं होगी अपना, फूल मम्मी। तो यहाँ पर होती हुई जय माला, आप देख सकते हो। बहुत ही मजा आ रहा है हमें इस विवाह में। अभी उनके सब श्रृंगार करेंगे हम, माता जी के दोनों जगह कर दे। पत्ते पे भी करता हूँ।
हमने बिंदी लगाई है, चूड़ियां पहना दी है, आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। आज के दिन चावल नहीं चढ़ते तो हम तिल चढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पर मिठाई फाइनली, कितने प्यारे लग रहे हैं आप देखो, सभी बाराती लड़की वाले लड़के वाले बैठे हुए, और यहाँ पर इनको नेक भी मिल चुका है सब। अब हमारे यहाँ चाची के यहाँ हो रहा है तुलसी विवाह, तब हम सब इधर आए हैं, हमारी पूरी गली फुल हो चुकी है। गली छोटी हो गई। हमारा लड्डू गोपाल भी आया है, देखो ये रहा विवाह में। कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा मेरे। रुको, फूल आए तो दोनों को वरमाला पहना दो, वहां तक गठबंधन कर दो दोनों का। चढ़ा दी, चढ़ा दी, गठबंधन कर दो। इसको बहुत मजा आ रहा है, देखो वो बिठा दें थोड़ी देर, रुक इसको बिठाओ तो नीचे। हाँ, लड्डू गोपाल को सब जगह बैठने चाहिए, देखो फिर पांच दादी को दे दे फूल, रख दो थाली में, पांच पत्तों पर गीला करके लगाओ चाची, तो फिर तुम्हारे भी ये मांग भरने की है इसलिए। हाँ, बस वरमाला कर दो दोनों की। हमारे शादी में गाना बजाना नहीं कर रहे, बराती चुपचाप बैठे। मिठाई रख दो, दोनों को मिठाई खिला दो, हाथ जोड़ो। फाइनली यहाँ पर भी विवाह कंप्लीट होता हुआ। आज हमारे यहाँ पर घर पे भी होती है पूजा, तो ये देखिए आप कितने प्यारा हमारे घर में डेकोरेशन हुआ है, मिठाई है, लड्डू गोपाल है, और हमारे यहाँ पे पूजा पे चढ़ता है कुछ ये सिंगोड़े, सिंगोड़े ही बोलते हैं ना, सिंगोड़े बोर, और ये सेलड़ी, ये सुबह मतलब गन्ना है आई मीन, तो ये हमारे सुबह 4-5 बजे उठा जाता है और थाली लेके एक ये लेकर और वैसे बजाते हैं और बोलते हैं दलिदर जा लक्ष्मी आ, ऐसा कुछ करते हैं हमारे, और ये फिर पूरा फेंक दिया जाता है, एक जो जिससे बजाते हैं वो बाहर फेंक दिया जाता है। तो आपके यहाँ भी ये सब होता है या नहीं होता कमेंट करके ज़रूर बताना, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, सो स्टे ट्यून। तो ये देखिए आज हमारे शादी का खाना आया है, आलू पूरी बाजू वाले हमारे चाची ने बनाया है, बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। तो हमारे शादी का खाना भी आ चुका है, देख सकते हो। सो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके यहाँ भी तुलसी पूजा होती है या नहीं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड ब्लॉग को शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब, तब तक के लिए बाय।